हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करने वाले हैं DDLJ मूवी के बारे में, मतलब दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी, जो कि शाहरुख की नंबर वन मूवी रही है। हम आपको बता दें कि 2 नवंबर को शाहरुख की आने वाली फिल्म पठान का टीजर रिलीज किया गया। वहीं शाहरुख खान के बर्थडे के स्पेशल मौके पर यशराज फिल्म ने उन्हें एक सरप्राइज देने को सोचा और उसके साथ साथ उन्होंने DDLJ फिल्म को रिलीज कर दिया। दिलवाले दुल्हनिया मूवी जो कि अपने टाइम की ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुआ था, जहां मूवी को रिलीज किया गया था 1995 में, सिर्फ 400 करोड़ के बजट से ये फिल्म बनाई गई थी। उस टाइम ये मूवी ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई थी। और उसके साथ साथ बात करें इस मूवी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जो कि 83 करोड़ 31 लाख रुपए रहे। वहीं बात करें वर्ल्ड वाइड के बारे में, जो कि 69 करोड़ 61 लाख रुपए रहे। अगर आज इस मूवी का टोटल कलेक्शन देखा जाए तो आज अभी भी इस मूवी का क्रेज कम नहीं हुआ है लोगों के बीच, क्योंकि अभी भी ये मूवी जो कि अगर टोटल कलेक्शन इसका देखा जाए तो इंडिया में इस मूवी का 455 करोड़ के अक्रॉस पहुंचता है और वहीं वर्ल्ड वाइड में इस मूवी का 69 करोड़ रुपए होता है। ऐसे हिसाब से देखा जाए तो पूरा टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में तो 524 करोड़ इस मूवी ने अब तक कमा लिया है। 27 साल बाद फिर इसे शाहरुख खान के बर्थडे के मौके पर इस मूवी को रिलीज किया गया, जो कि कुछ ही थिएटर में इसे लगाया गया है, सिनेप्लेक्स और इंटॉक्स और PVR में इसे और कुछ सिंगल स्क्रीन पे देखने को मिला है। मूवी का टिकट जो कि एवरेज ही रखा गया था 100 रुपए और टोटल GST लगा के टिकट को बेचा गया 112 रुपए में। 27 साल बाद इस मूवी को रिलीज करने के बावजूद इस मूवी ने काफी अच्छा रिस्पांस दिया, जैसा कि SRK के फैंस बहुत ज्यादा हैं, उस हिसाब से इस मूवी को ऑडियंस ने भी बहुत ज्यादा पसंद किया। दोबारा इस मूवी को लगाने के बावजूद इस मूवी ने अब तक 27 लाख रुपए कमा लिए हैं। 23,000 अक्रॉस लोगों ने इस मूवी को देखा है। अगर मूवी के रिलीज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखा जाए तो PVR में इस मूवी ने टोटल कमाई की है 13,10,000 रुपए, वहीं इंटॉक्स में 5,54,000 रुपए, वहीं बात करें सिनेपोलिक्स में तो इसने 4,40,000 रुपए कमाए हैं और वहीं कुछ सिंगल स्क्रीन पे भी इसके अच्छी खासी कमाई हो चुकी है। जैसा कि मूवी को डायरेक्ट किया था आदित्य चोपड़ा ने और यशराज फिल्म के मेकर्स द्वारा इस मूवी को बनाया गया था। एक बार फिर 4 साल बाद शाहरुख खान अपनी नई मूवी पठान लेकर आ रहे हैं, जिसका कि क्रेज लोगों में बहुत ज्यादा है और वहीं यशराज फिर से उनका इस फिल्म को बनाने में लगे हुए हैं। हालांकि पठान का टीजर भी काफी ज्यादा लोगों को पसंद आया है। देखते हैं कि यार पठान इस बार की ब्लॉकबस्टर मूवी साबित होती इतनी है। इतनी पुरानी मूवी होने के बावजूद इस मूवी का अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिला। वहीं आई हुई हाल ही की फिल्म मिली बोनी कपूर के द्वारा बनाई गई थी, जो कि बहुत ही खराब इंप्रेशन के साथ इसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ है। और वहीं फोन बूथ, जिसमें कि हमें कैटरीना कैप देखने को मिली है, इस मूवी का भी बहुत ही निगेटिव रिस्पांस मिला है ऑडियंस के द्वारा। आप सभी की क्या राय है शाहरुख खान की रिलीज मूवी DDLJ के बारे में, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए सिनेमा विद रीति में। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।